हेलो फ्रेंड्स, मो यूट्यूब चैनल रे आपन मानन को स्वागत करू छी। आज ए वीडियो माध्यम रे जानिबा मधु बाबू पेंशन योजना ऑनलाइन अप्लाई केमिति करा जाए। तो आपन माने ए वीडियो डी को संपूर्ण देखंतु जा फलर के आपन जानि परबे ऑनलाइन अप्लाई केमिति। आपन माने प्रथमे कोन करबे ना कोन से गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन करंतु। ओपन कर सला परे आपन सेथिरे टाइप करबे MBPY ऑनलाइन अप्लाई ओडिशा। आपन टाइप करी सर्च करी देबे। आपन मानन को सामना रही पर गोटे पेज ओपन हेबो। तो आपन माने देखि परथे ऊपर ही SSEPD लिजम लिखा है छि, सेथिरे क्लिक करबे। सेथिरे क्लिक करला पर आपन मान को एही परिकास करबो। नेक्स्ट पेज एथि देखि परथिबे, एही पर पेज आसीबो। तापर आपन देखि परथिबे एहा होउछि तार वेबसाइट। तो आपन कोन करबे ना एटी जो पेंशन स्कीम लिखा है तापर क्लिक करेंगे। ऊपर जो पेंशन स्कीम अच्छी तापर क्लिक करेंगे। तापर ये परीक्षा गोटे पेज ओपेन हो देखिपे चूज स्कीम। तापर चूज स्कीम एवं ट्रैक एप्लीकेशन दे। तो आप कौन करेंगे चूज स्कीम उपर क्लिक करेंगे। तापर एटी मधु बाबू पेंशन योजना सिलेक्ट करने मधु बाबू पेंशन योजना अप्लाई करू छे। तो सेठी सिलेक्ट कर सारा पर आप कौन कर प्रोसेस उपर क्लिक कर दे। प्रोसेस उपर क्लिक कला पर आप देख पारे एटा तार फॉर्म ओपन हो कि आसी जाए छे। आम सामना को फॉर्म ओपन हो कि आसी देखि पारु थे मधु बाबू पेंशन योजना। तो आप कौन कर पेंशन टाइप रे क्लिक करेंगे। आप कौन प्रकार पेंशन अप्लाई करने चाहते ओल्ड एज पेंशन अच्छी विडो पेंशन डिसेबिलिटी। तो आम विडो पेंशन अप्लाई करवा। तो सिलेक्ट कलापर एटी ना देदेबे मोटी ना देदेउछि। ना दे सारापर एटी फादर नेम एवं स्पाउस नेम दिखे। तो एटी विडो पेंशन अप्लाई कर हस्बैंड ना देदेली एटी हस्बैंड ना देदेउछि। तापर दे सारापर आप कौन करेंगे ना तांकर एप्लिकेंट जहाँ अप्लाई कराऊ डेट ऑफ बर्थ एटी आप सिलेक्ट करने बे। योर्स मंथ डेट सब सिलेक्ट कलापर एज ऑटोमेटिक आपणकर नहीं जीव। देन अपलोड एज प्रूफ कही आप भोटर फोटो अपलोड करेंगे। आप मन रखत भोटर फोटो एवं जिते भी अपलोड एटी कहुई सब अपलोड आप करेंगे ना PDF ही अपलोड नेबो। JPG अपलोड हेबो नाही ओनली PDF। तो आपण तापरे जेंडर चेंज को सिलेक्ट करिवे। देन आधार नंबर देन एठी अपलोड आधार स्कैन कॉपी एठी भी आपण PDF देबे आधार रो एवं मोबाइल नंबर एठी दे देबे। तापरे जहाँ मोबाइल नंबर थिबो आपणक पाखरे स्टेट आपणकर ऑलरेडी नै जीवो। देन डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करिवे आपण। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करला पर आपण एठी अपलोड इमेज पर क्लिक करी एठी JPG डायरेक्ट एक्सेप्ट करिवो। आपण JPG एठी देबे JPG फोटो आपण सिलेक्ट करनेबे। फोटो सिलेक्ट कला पर आपण कोन करबे ना सब डिविजन जे अछि तो सब डिविजन सिलेक्ट करबे। आपणकर निजर सब डिविजन कोन अछि। देन एड्रेस टाइप देसी ULB म्युनिसिपालिटी जार थिबो ULB सिलेक्ट करबे। आ जे ब्लॉक के थ्रो रु अप्लाई कर तो से ब्लॉक। तो मुझ ब्लॉक थ्रो रु अप्लाई कले से ब्लॉक मो ब्लॉक देदेली महलदा। देन GP सिलेक्ट करी GP मोर तापर भिलेज पर क्लिक करेंगे। भिलेज तो आपणकर भिलेज सिलेक्ट करने देन एटी हाउस नंबर प्लॉट नंबर दिखे मैंडेटरी नुहे पिनकोड देदेवे आपणकर कास्ट देदेवे आपड़ जहाँ भी जनरल ओबीसी एसटी एससी एवं एटी इनकम सर्टिफिकेट RI रिपोर्ट BPL कही। तो आपण पुराणा BPL कार्ड थे आपड़ पुराणा BPL कार्ड अपलोड करेंगे ना RI पाखर गोटे RI रिपोर्ट आणवे ना इनकम सर्टिफिकेट अच्छे देवे। एटी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आपण को किसी दरकार नहीं जदि अच्छे दिंतु। तापर डेथ सर्टिफिकेट आपड़ अपलोड करेंगे। देन आपठ अपलोड थाम सिग्नेचर पर भी सब PDF ही अपलोड हे ए। देन बैंक अकाउंट डिटेल्स कही एटी आप चूज करने सिंगल अकाउंट की। तापर एटी अकाउंट होल्डर नेम देदेवे आपन अकाउंट नंबर देदेवे बैंक चूज बैंक कही। तो आपंकर बैंक रहा चूज करने एवं IFC कोड आपठी चूज करने बैंक जहाँ भी IFC कोड अच्छी। देन चूज ब्रांच आपठी ब्रांच कौ बैंक आपणकर खाता अच्छी ता चूज करने
ତାପରେ ଅପଲୋଡ଼ ପାସ୍ ବହିରେ ବି ଆପଣ ଏଇଟା ବି ପାସ୍ବୁକ୍ ବି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ପି ଡି ଏଫ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯାହା ନାଁରେ ଆପ୍ଲାଏ କରାଯାଉଛି ତା ନାଁ ଆସିଯାଇଛି ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ରେ। ତାପରେ ଆପଣ ଏସବୁ ପଢ଼ି ନେବେ, ଦେନ୍ ସବୁ ତିନିଟା ଯାକୁ ଟିକ୍ କରିଦେବେ। ଟିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ପୁଣି ଥରେ ଚେକ୍ କରିଦେବେ। ଚେକ୍ କରିକି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକିନା ସବମିଟ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ରେ ଆପଣମାନେ କେତେ ଦୂର କାମ ହୋଇଛି ଟ୍ରାକ୍ କରିପାରିବେ। ଏଠି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନମ୍ବର ଦେବେ ଏବଂ ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କେତେ ଦୂର କାମ ହୋଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେବ। ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତ ପିଇଓକୁ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରାଯିବ ଆପଣଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଭତ୍ତା ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲିକି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓ। ତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।